मदीनतुल औलिया मुल्तान, जिसे औलियाल्लाह की सरजमीन कहा जाता है, इन्हीं औलियाल्लाह की बदौलत सरजमीन हिंद पर दीन इस्लाम का बोलबाला हुआ, जिनमें से शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, शाहरुख ने आलम, शाह शम्स तबरेजी और गौस पाक नूरानी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के नाम सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम के फरोग के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज मैं आपको इन्हीं में से एक उस्ताद, आलिम और वली हजरत शेख अबुल फतेह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मेज़ार की सैर और उनकी ज़िंदगी के बारे में दिलचस्प हकायक से रोशनास करवाने जा रहा हूं। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बॉटनिस्ट एजुकेशन। बचपन में आप रहमतुल्लाह अलैह को प्यार से शाह जलूला कहकर पुकारा जाता था। रुकनुद्दीन आलम लकब है जो हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई उम्र में आपको अता फरमाया, जिसके माने दुनिया का सतून है। आपकी विलादत 9 रमजानुल मुबारक 1251 में शहर मुल्तान में ही हुई। आपके बचपन के हवाले से एक वाक्या बेतहाशा किताबों में दर्ज है। वाक्या कुछ यूं है कि जब हजरत की उम्र 6 साल थी तो आप खेल में मशगूल थे, तो हजरत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और अपनी पगड़ी उतार कर एक तरफ रख दी। शाहरुख ने आलम, जो के खेल में मशगूल थे, खेल छोड़कर आए और पगड़ी अपने सर पर रख ली। आपके वालिद मोहतरम हजरत शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह ये माजरा देख रहे थे। आपके वालिद ने आपको डांटा और फरमाया कि ये बेअदबी है। इस पर हजरत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसे मत डांटो, ये दस्तार इसी के लिए है, मैं रुकनुद्दीन को ये पगड़ी अता करता हूँ। यूं दादा ने बातनी अलूम से आरास्ता फरमा दिया और दादा का इलम पोते को अता हो गया। कहा जाता है कि शाहरुख ने आलम जब मसनद खिलाफत पे बैठे तो वही पगड़ी आपको पहनाई गई थी। ब्यातन दर हकीकत रफ्ताए बेबाक, ब्यातन दर हकीकत रफ्ताए बेबाक, बाज़ाहिर दर शरीयत चुस्त व चालाक। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा बीबी रास्ती हफ्ज़े कुरान थीं और ज़ुहद व तक्वा की बिना पर राबिया असर कहलाती थीं। अबाओ अजदाद का तअल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले से था। आपके बुजुर्गों में हज़रत कमालद्दीन अली शाह कुरैशी मक्का मुअज़्ज़मा से ख्वारज़्म आए और वहां से मुल्तान आकर सुकूनत पजीर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मेज़ार में दाखिल होते ही हर शख्स ये सोचने लगता है कि एक फकीर का मेज़ार इतना बड़ा, इतना कुशादा और शाहों जैसा क्यों है। जी हाँ नाज़रीन कराम, आप ठीक सोच रहे हैं। ये मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने देपालपुर की अपनी गवर्नरी के दौरान 1320 से 1324 ईस्वी के दरमियान अपने लिए तमीर किया था, ताकि वो यहाँ दफन हो सके, मगर वो दिल्ली में ही मर गया और उसे वहीं दफना दिया गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ये जगह आपको दे दी ताकि आप अपने मामलात ज़िंदगी यहाँ गुजार सकें, और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात मुबारक में लोगों से यहाँ मिला करते थे। यहाँ इबादत हुआ करती थी और रशद व हदायत का सिलसिला जारी रहा। 1335 में आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद आपको हज़रत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में दफन कर दिया गया, और फिर एक बशारत की सूरत में मोहम्मद शाह तुगलक ने आपको यहां दफना दिया और वक़्त के हकीकी सुल्तान को इंतकाल के बाद उनके शयान शान जगह पर दफन कर दिया गया। देखने में ये इमारत बहुत ही खूबसूरत है, हवा का बेहतरीन निज़ाम है, इस इमारत पर कबूतर भी चहचहाते हैं। इस इमारत में दूसरी सफ़ेद रंग की कब्रें हजरत रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदारों और रफाका की बयान की जाती हैं। मज़ार के अहाते में एक मस्जिद भी मौजूद है, जो कि 1975 में तमीर करवाई गई थी, और तमीर के वक़्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया
कि इस मस्जिद का आर्किटेक्चर मज़ार के तर्ज तमीर से मेल खाए, जुदा ना लगे। और मस्जिद देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसा कि कदीम दौर की ही हो। मस्जिद के अंदर नमाजियों की गुंजाइश 1000 से कम है, मगर मज़ार का सह मुयसर आने की वजह से 5000 नमाजी यहाँ एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाले जायरीन अनाज की टोकरियाँ खरीदकर कबूतरों को दाना इस खलूस नीयत से डालते हैं कि इस अमल के बदले उनकी मुश्किल हल हो जाएगी। ये मज़ार पूरे जनूबी एशिया से सालाना 1 लाख से जायद जायरीन की ज्यारत का मरकज है। याद रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट और साबका वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूदा सजादा नशीन और मज़ार शाह रुकन आलम के मतवली हैं।